हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू माय चैनल एस एग्ज़ाम। और आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं एसएससी सीजीएल के 25 जुलाई का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। तो पहला ही क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट इन द सीरीज से। तो अगर हम देखें इसमें क्या बन रहा है, इसमें बन रहा है कि एफ तो यहाँ आ गया हमारे पास, और ये दोनों ने ही पोजीशन जो है इंटरचेंज करी है। ओके, एक्स और ओ ने हमारे पोजीशन इंटरचेंज करी है एंड इन दोनों ने अपनी पोजीशन इंटरचेंज करी है। ठीक है, सेम चीज़ अगर हम यहाँ देखें, स्क्वायर इधर चला गया है, सर्कल इधर चला गया है और यू इधर चला गया है। ठीक है, फिर क्या हुआ है, एक्स जो है वो नीचे आ गया है, बी इधर आ गया है और इस तरफ ये इधर चला गया है। ठीक है, फिर अगर हम यहाँ देखें, ये अगेन इधर गया है, दोनों ने पोजीशन इंटरचेंज करी है, इन दोनों ने अपनी पोजीशन इंटरचेंज करी है, इन दोनों ने अपनी पोजीशन इंटरचेंज करी है। तो हमें देखना है कि ओ इधर आएगा, यू इधर, मतलब ये इधर आएगा, यू इधर आएगा। ठीक है, फिर यहाँ जो था F, F इधर आएगा और 2 जो है वो नीचे आएगा और इधर जो था B वो ऊपर चला जाएगा। ये कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 में। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं हम, एंड इसमें हमें क्या बोल रहा है, इसमें हमें नंबर और जो साइन है वो दोनों ही चेंज करने हैं। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर हम ट्राई करते हैं, हमारे पास क्या है, 784 डिवाइडेड बाय 14। ओके, 14 से डिवाइड होता है तो मे बी दिस इज़ द आंसर, प्लस 30 माइनस 6। तो ये कितना टाइम्स किया, ये गया 56। 56 इंटू 9 करेंगे तो हो गया 504 प्लस 30 और ये हो गया माइनस 6। तो ये कितना हो गया, 534 और ये हो गया माइनस 6 विच इज़ इक्वल टू 528, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं हम, एंड इसमें हमें बोला है कि नेक्स्ट इन द सीरीज़ बताना है। ठीक है, तो अगर हम देखें, ब्लैक वाला जो है 90 डिग्रीज पे टर्न कर रहा है, तो यानी अब ये नीचे की तरफ पॉइंट करेगा, तो ये हट गया, ये हट गया, नीचे हमारे पास आना था, और जो ब्लैक है मतलब ये है वो भी 90 पे जा रहा है, तो इसको इधर आना था। ऑप्शन नंबर 2 ही है जो हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, एंड ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ओके, जो ग्रेजुएट्स होते हैं वो एजुकेटेड होते हैं, ठीक है, और अनएम्प्लॉयड इन दोनों में से ही हो सकते हैं, तो ऐसा कुछ बनेगा विच इज़ ऑप्शन नंबर 2। फिफ्थ नंबर पे देख रहे हैं हम क्वेश्चन, एंड ये क्या कह रहा है कि डिक्शनरी में ये कैसे अरेंज होंगे। तो ऑप्शंस मैं हाइड कर देती हूँ। फर्स्ट है हमारे पास 3 और 5, तो यहाँ और यहाँ हमें चेक करना है। MON तो कॉमन है, लेकिन आई पहले आता है ओ से, यानी कि 5 पहले आएगा, तो ये हट गया। 1 और 3 में से हमें चेक करना है, तो 1 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, MONO दोनों में कॉमन है, लेकिन P पहले आता है, तो यानी कि 3 पहले आएगा, तो ये हट गया। यहाँ तक ये सारे कॉमन है। 4 और 6 में हमने चेक करना है, MONS तक कॉमन है, O पहले आता है, यानी 6 पहले आएगा, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं हम, एंड इसमें हमें क्या बोला है, डिस्मे को ऐसे लिखेंगे, ड्राइवर को ऐसे, तो सफारी को कैसे लिखेंगे। तो यहाँ देखिए DISMAY है, तो सेम चीज़ सफारी के साथ करेंगे, FASIRA, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं, एंड इसमें हमें क्या बोला है, इसमें हमें बोला है कि लुकिंग एट द फैमिली पिक्चर, राजन सेड शी इज़ माई वाइफ। ओके, यहाँ पे यानी कि राजन है, यहाँ पे उसकी वाइफ है, शी इज़ माई वाइफ्स सन, फादर, फादर यानी राजन ही हो गया, कि मदर, हस्बैंड यानी इसका हस्बैंड, और ये होगी उसकी डॉटर, यानी यहाँ पे। तो हाउ इज़ गर्ल इन द फोटो रिलेटेड टू राजन, तो ये कौन होगी, बहन होगी, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया।
नेक्स्ट हमारे पास ये वाला क्वेश्चन दैट इज़ मिरर इमेज का। तो यहाँ मिरर इमेज बन रही है तो जेड पहले कैसे आ गया, ये हट गया। जेड उल्टो उल्टा कैसे हो गया, ये हट गया। डब्लू का यहाँ एम कैसे हो गया, ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास 9, एंड अगर हम इसको देखें तो क्या बोल रहा है कि ऑल पेन्स आर न्यूज़पेपर, पेन और ये न्यूज़पेपर, सम न्यूज़पेपर आर नॉवल्स एंड नो नॉवल्स आर बुक। ठीक है, तो सम बुक्स आर पेन, पेन और बुक्स के बीच में कोई कम नहीं बोला है हमें तो ये हट गया। सम नॉवल्स आर पेन, सम नॉवल्स आर पेन हमें कोई नहीं बताया है, एंड नो बुक इज़ पेन। तो अगेन हमें कुछ नहीं पता है इसके बारे में, बट आप यहाँ देखिए सम बुक्स पेन हो सकती हैं या फिर नो बुक्स पेन हो सकती हैं, तो ईदर वन ऑफ द कंक्लूजन फॉलो आएगा। यहाँ पे नीदर नहीं लिखा है इसीलिए ईदर वाले में से ही एक होगा ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, एंड इसमें हमें क्या बोला है, इसमें अगर बोला है हमें कि इसमें अगर हम देखें इस 20 × 2 करते हैं तो कितना आएगा 40, और वहीं हम 31 + 9 करते हैं तो भी हमारे पास आएगा 40। सेम चीज़ अगर हम इसके साथ करते हैं तो क्या आएगा, 49 × 2 इज़ 98 एंड 60 + 38 इज़ 98। ठीक है, तो अगर हम यहाँ करते हैं इसको सॉल्व फर्स्ट ऑप्शन को, तो ये हो गया कितना 60 × 2 विच इज़ इक्वल टू 120, और 65 + 63 कितना होता है हमारे पास 128, तो ये तो नहीं हुआ। देन है हमारे पास 20 × 2 विच इज़ 40, और 31 + 15 कितना होता है, ये होता है 46, तो ये भी नहीं होगा। 69 का 2 टाइम्स करेंगे तो हमारे पास होता है लास्ट में 8, पर इन दोनों को ऐड करने से 8 नहीं आ रहा तो ये भी हट जाएगा। 24 × 2 करते हैं तो कितना होता है 48, और 34 + 14 करेंगे तब भी 48 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं हम, एंड इसमें भी हमें यही चीज़ का सेम क्वेश्चन है हमारे पास। तो अगर हम यहाँ पे 7 + 23 करते हैं तो होता है हमारे पास 30, और अगर हम 150 को डिवाइड करते हैं 5 से तो होता है हमारे पास 30। सेम अगर 11 + 4 करते हैं तो हो गया 15, और 75 / 5 करते हैं तो हो गया हमारे पास 15। तो देखिए ये 5 से डिवाइड नहीं होता, इसको हटा दीजिए। 11 ये हो गया हमारे पास कितना 19, और ये डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 19 नहीं होता, ये हट गया। इन दोनों को ऐड करते हैं तो 20 हो गया, और इसको डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 20 नहीं होता, ये भी हट गया, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। बट स्टिल अगर आपको चेक करना है तो 15 + 13 होता है हमारे पास 28, और 140 डिवाइड बाय 5 करते हैं तो हमारे पास होता है कितना 28। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं हम, इसमें बोला है कि रैट को अगर ऐसे कोड करते हैं, माइस को ऐसे, तो ज़ेब्रा को कैसे करेंगे। तो R है हमारे पास 18, A1T20 ऐड ऑन करने के बाद हो गया 39। तो ज़ेब्रा को कैसे करेंगे, 26, 5, 2, 18 और 1 विच इज़ इक्वल टू 2, एंड यहाँ हो गया 5, यानी कि 52 हमारा आंसर हो गया। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 13 हमें क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है कि ऑड वन आउट हमें पता करना है। तो O हो गया 15, ये हो गया 14, ये हो गया 12, -1 + -2 हो रहा है यहाँ पे। सेम चीज़ अगर 18, 17 एंड 15 का देखें तो यहाँ -1 है, यहाँ -2 है। H इज़ 8, G 7, 5, यानी ये -1 है, ये -2 है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 ही है जो हमारा ऑड वन आउट हो जाएगा। अगर आपको स्टिल चेक करना है तो आप देखिए, ये डी से सी -1, सी से -1 इज़ बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देख रहे हैं हम, एंड इसमें हमें क्या बोला है, इसमें हमें बोला है कि देखिए बी है, बी सी डी ई एफ आना चाहिए, तो एफ तो सब में ही है। देखिए आर एस टी यू वी, तो यहाँ वी आना चाहिए, ये भी हट गया, ये भी हट गया। वी डब्लू एक्स आना चाहिए यहाँ पे, तो एक्स आ गया। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया।
क्वेश्चन नंबर 15 देख रहे हैं हम, एंड इसमें हमें इसको कंप्लीट करना है। देखिए जेड हमें यहाँ दिख रहा है, जेड यहाँ दिख रहा है, और यहाँ पे एक जेड आ सकता है, ठीक है। तो ये 4-4 का पेयर्स बन रहा है, तो यहाँ पे जेड हो गया, सेकेंड लास्ट जेड है हमारे पास, तो ये वाई वाई तो हट गए। लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा आर, तो आर तो है ही सब में, ठीक है। यहाँ पे भी आर आ जाएगा, यानी शुरू में भी आर आएगा, जेड हट गया, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देख रहे हैं, एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन है ये हमारे पास, एंड अगर हम इसको देखें तो ये वाली फिगर कहीं नहीं बन रही है, क्योंकि ये वाली लाइन कहीं नहीं दी गई है, ये वाला प्लस यहाँ कहीं नहीं दिया गया है, और ये वाला साथ में बॉक्स कहीं पे भी नहीं दिया गया है, पर इसको अगर हम देखें तो ये यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 17 देख रहे हैं हम, एंड इसमें हमें क्या बोला है कि 8 स्क्वायर करते हैं तो हो गया 64, एंड 64 इंटू 2 करते हैं तो हो गया 128, वहीं 12 स्क्वायर करते हैं तो कितना हो गया 144, इंटू 2 करते हैं तो हो गया 288, 15 का स्क्वायर करते हैं तो हो गया 225, उसका इंटू 2 करने के बाद 450 आता है, ना कि 350, तो ये हमारा ऑड वन आउट हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देख रहे हैं हम, एंड इसमें हमें क्या बोला है, अगर हम इसको देखें तो 16 इंटू 1.25 करते हैं तो कितना आएगा हमारे पास 20, और 35 माइनस 15 करते हैं तो आएगा हमारे पास 20। सेम अगर हम यहाँ करते हैं तो 12 इंटू 1.25 कितना होता है हमारे पास 15, और अगर हम इसको देखें तो 33 माइनस 18 कितना होता है 15, ठीक है। तो 8 इंटू 1.25 कितना होता है हमारे पास, ये होता है 10, और 10 प्लस 17 होता है हमारे पास 27, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। अगर आपको ऐसे भी नहीं करना है तो इसका सेकंड भी वे है, दैट इज़ 16 को अगर हम डिवाइड करते हैं 4 के साथ तो ये हो गया 4, और 16 प्लस इसके साथ ऐड करेंगे हम 16 प्लस 15 वाला, तो हमारे पास हो जाएगा 31 विच इज़ इक्वल टू 35। तो आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, एंड इसका मिरर इमेज हमें बोला गया है। तो देखिए जब ये ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है तो ये नीचे कैसा आ गया, ये हट गया, एंड ये वाला ट्रायंगल ऐसे ही है तो ये सेम ऐसे तो नहीं होगा, ये भी हट गया। इसमें सिर्फ यही है जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसको सेटिस्फाई कर पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमें क्या बोल रहा है, तो ये बोल रहा है कि अगर हम 1079 को डिवाइड बाय 3 करते हैं तो कितना हो गया 343, और 343 7 का क्यूब होता है, ठीक है। 2187 को अगर हम डिवाइड करते हैं 3 के साथ तो ये होता है 729, एंड इसको जब हम लिखते हैं तो ये 9 क्यूब की तरह लिख सकते हैं। तो सेम अगर हम 24 को डिवाइड करते हैं 3 से तो हमारे पास क्या आता है 8, और 8 किसका क्यूब है 2 का, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 21 को की बात कर रहे हैं। तो ईच वावल इन द वर्ड 4 फुट इज चेंज टू द लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज इज चेंज टू द फॉलोइंग, ओके, एंड ईच कॉन्सोनेंट चेंज टू द प्रीवियस लेटर इन द अल्फाबेटिकल सीरीज इन न्यूली फॉर्म्ड वर्ड हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड वन फ्रॉम द राइट, ठीक है। तो अगर हम इसको चेंज करके लिखें तो कैसे चेंज होगा, ये होगा ई पी क्यू एफ ई पी पी और एस, ये वन फ्रॉम द राइट है एंड ये सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट है, इन दोनों के बीच में कितने आते हैं तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में पूछा है हमसे, तो पी क्यू आर एस होता है, यानी कि 2, ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 22 हमें क्या बोला है, तो इसने बोला है कि 27 है, यहाँ 38 है, डैश 68, 87 और 110, तो ये हो गया कितना प्लस 11, यहाँ पे हो गया प्लस 17, और ये हो गया प्लस 19, नहीं ये हो गया 19 और ये हो गया 23, तो यानी ये
प्राइम नंबर पे चल रहे हैं, तो प्लस अगर मैं यहाँ पे 13 करती हूँ तो कितना होगा, ये होगा 1 और 5 51 51 प्लस 17 करूँगी तो हमारे पास आ जाएगा 68, यानी कि हमारा इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि केक को अगर हम ऐसे कोड करते हैं, ईजी को ऐसे, तो मेक को कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए केक है हमारे पास 3 1 11 एंड 5, तो यहाँ पे होता है हमारे पास इसका ऑपोजिट 24 26 16 एंड 22। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया 6, ये हो गया 8, ये हो गया 7 और ये हो गया 4। ऐसे हो रहा है ये, तो मेक का हो गया 13 13 1 और ये हो गया 11 और ये हो गया 5। इसके ऑपोजिट में कौन सा होगा, तो ये होगा 14 जिसको ऐड करके आएगा 5। इसके ऑपोजिट में है 26, ऐड करके आएगा 8, तो ये हट गया। 11 के ऑपोजिट में होता है 16, 16 को ऐड करके आएगा 7, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि इसमें हमें मिरर इमेज बनानी है, तो P का यहाँ D कैसे हो गया, ये हट गया। K उल्टा क्यों हो गया, ये वाटर इमेज बन रहा है। सेम अगर हम देखें के यहाँ पे उल्टा है तो ये भी हट गया, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ आगे बढ़ते हैं, इसमें हमें बोला है कि टू साइन को इंटरचेंज करना है। तो अगर हम देखें डिवाइड यहाँ पे भी ठीक लग रहा है, डिवाइड हो तो जाएगा, बट इसको चेक करते हैं। तो ऑप्शन 1 को अगर हम चेक करते हैं क्या होगा, 3 × 12 − 6 + 2 / 12, तो ये तो नहीं होगा क्योंकि ये पॉइंट में आ जाएगा, तो ये हट गया। इंटू की जगह हमें डिवाइड लगाना है और डिवाइड की जगह इंटू, तो ये भी नहीं होगा। एंड अगर हम 3 को चेक करें तो क्या होगा, 3 × 12 / 6 − 2 + 12, तो ये हो गया 2 times, ये हो गया 6 − 2 + 12 which is 18 − 2 is 16, विच इज़ ऑप्शन राइट हैंड साइड हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ करेक्ट हो जाएगा। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चंस फॉर टुडेज़ क्वेश्चन पेपर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।